हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें कि हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट वन केमिस्ट्री के सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ये पार्ट टू है। ये जो वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं वो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट को ध्यान में रख करके बनाई गई है, लेकिन फिर से कहूँगा कि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड बोर्ड के लिए अप्लीकेबल है। ये वीडियो उस हर एक बच्चे के लिए, उस हर एक स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल है जिनके एग्जाम में, जिनके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसके साथ साथ फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज का क्वेश्चन नंबर वन आप देखिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कि विच गैस इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। विच गैस इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा जेनॉन। क्या? जेनॉन। तो जेनॉन जो है सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्पल ऑफ कैसियस इज द कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ, तो किसका कोलोइडल सोल्यूशन होता है? ये कोलोइडल सॉल्यूशन होता है किसका? गोल्ड का। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट ओवर हियर। क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट ओवर हियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपकी स्क्रीन पे कि ZnCl2 सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन द कंटेनर ऑफ, जो ZnCl2 जिंक क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग किसके कंटेनर में नहीं रख सकते, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर जो होगा दैट वुड बी Al एल्यूमिनियम। अच्छा, रीजन क्या है क्यों नहीं रख सकते एल्यूमिनियम में? बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक से ज़्यादा सक्रिय है एल्यूमिनियम, और इस वजह से ये रिएक्शन कर जाएगा। इस वजह से हम लोग इसको, मतलब जिंक क्लोराइड जो होता है सॉल्यूशन, उसको एल्यूमिनियम का कंटेनर में नहीं रख सकते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मली मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मली मोस्ट स्टेबल। तो जो आपके पास ऑप्शन है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर, H2S और H2TE, ठीक है, तो इन चारों में से कौन है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है? क्वेश्चन का सेंस ये है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो क्या है? H2O। क्या? H2O। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, और H2O इज द मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ दीज गिवन फोर ऑप्शंस। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल कंटेंट्स, सोलर सेल, द मटेरियल यूज इन सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल होना चाहिए, सोलर सेल कंटेंट्स, कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो कौन सा होता है? सिलिकॉन में। क्या? सिलिकॉन में। तो यहाँ पे सोलर सेल होना चाहिए और सिलिकॉन मटेरियल होता है यूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एसिड्स इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास HI। क्या? HI। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUPAC नेम ऑफ K3FeCN6 इज, तो ये जो कंपाउंड गिवन है K3FeCN6 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन है बी नंबर में। तो क्या हो जाएगा करेक्ट? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सुक्रोज ऑन चारकोल द सोर्स इज कोल्ड। तो सोर्स को क्या कहते हैं? सोर्स को कहते हैं एब्जॉर्बेट। क्या? एब्जॉर्बेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर करेक्ट। नब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज डबल्ड द टाइम ऑफ हाफ ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल्ड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम लोग इनिशियल कंसेंट्रेशन डबल कर दे रहे रिएक्शन का,
तो जो टाइम ऑफ हाफ है, हाफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो डबल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इस केस के लिए वो क्या हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और आंसर क्या होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो यूनिट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ एक्वस KOH सॉल्यूशन गिव्स, अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ एक्वस KOH सॉल्यूशन गिव्स, अल्काइल हैलाइड जब एक्वस KOH सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है आपको एल्कोहल, क्या एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज कंसनट्रेटेड बाय द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज कंसनट्रेटेड बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कौन सा ओर को प्रोसेस किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर पाइराइट, क्या कॉपर पाइराइट, क्लियर है बात, तो 52 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी कॉपर पाइराइट, क्लियर है बात, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सल्फाइड ओर जो भी होते हैं दे आर कंसनट्रेटेड बाई फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सल्फाइड ओर जो होते हैं वो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसनट्रेट करे जाते हैं, जैसे गलेना हो गया PbS, जिंक ब्लेंड हो गया ZnS, और कॉपर पाइराइट जो हो गया CuFeS, ये सारे के सारे कंसनट्रेटेड करे जाते हैं बाई फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो 52 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा कॉपर पाइराइट, ध्यान रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एन एमल्सन इज अ कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ, तो एमल्सन जो होता है वो कोलोइडल सोल्यूशन होता है, अब किसका कोलोइडल सोल्यूशन होता है, अ लिक्विड इन अ लिक्विड, अ सॉलिड इन लिक्विड, अ सॉलिड इन सॉलिड, अ लिक्विड इन अ सॉलिड, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास अ लिक्विड इन अ लिक्विड, इसका होता है ये कोलोइडल सोल्यूशन, एमल्सन, क्लियर हो गया बात। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन डज नॉट रिएक्ट विथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन डज नॉट रिएक्ट विथ, तो किससे रिएक्ट नहीं करता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 54, एल्डिहाइड एंड कीटोन डज नॉट रिएक्ट विथ, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाईसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विटामिन ए इज कॉल्ड, विटामिन ए को क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो विटामिन ए जो है उसको कहते हैं क्या हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ CH3Hol3N इज, स्ट्रक्चर ऑफ CH3Hol3N इज, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पिरामिडल, कैसा, इसका आंसर हो जाएगा पिरामिडल, क्लियर है बात, ठीक। और अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, SP3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, पिरामिडल शेप हो जाएगा और SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी Cl आयन्स आर देयर अराउंड Na+ इन NaCl क्रिस्टल, तो क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ मेनी Cl आयन्स आर देयर अराउंड Na+ आयन इन NaCl क्रिस्टल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, क्या 6 हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन इथेनॉल इथेनोलिक KOH देन द प्रोडक्ट इज, व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन इथेनोलिक KOH देन द प्रोडक्ट इज, तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है आइसो साइनाइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एमिनो एसिड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ, एमिनो एसिड जो होते हैं वो किसके एंड प्रोडक्ट होते हैं, किसके डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसका मतलब है कि प्रोटीन हो जाएगा, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्डोल इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, एल्डोल इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, तो एल्डोल किसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, तो जो एल्डोल किसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, यह 2 मोलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल, क्या 2 मोलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये
इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विच एलिमेंट इज केप्ट इन वाटर, विच एलिमेंट इज केप्ट इन वाटर, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको कि हम लोग पानी में रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 61 है उसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मटेरियल यूज्ड इन द सोलर सेल कंटेन्स, तो जो मटेरियल यूज होता है सोलर सेल में वो क्या कंटेन करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। क्या है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन, क्या सिलिकॉन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन K2MnO4 इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन K2MnO4 इज, देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और K2 का कितना होता है, K का पोटेशियम का +1, ओवरऑल अगर आप बात करते हैं तो ऑक्सीजन का हो जाएगा -8, ऑक्सीजन का -8 और सोडियम का +2, मतलब ओवरऑल कितना हुआ, ऑक्सीजन का हुआ -8 और आपके पास सोडियम का पोटेशियम का हो गया +2, तो -8 + 2 कितना हुआ, -6। अब ये जो आपके पास कंपाउंड गिवन है वो क्या है, न्यूट्रल है, अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होना चाहिए, और अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होना है तो Mn का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +6, और +6 किस ऑप्शन में है, +6 है ऑप्शन नंबर बी में, तो क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा इसका, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, गैंग प्लस फ्लैक्स इक्वल टू स्लैग, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है यहाँ पे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गैंग प्लस फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, स्लैग होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूशन, द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूशन इंक्रीजेस विथ सोल्यू वेन सोल्यूट मोलिक्यूल अंडर गो, वेन सोल्यूट मोलिक्यूल अंडर गो, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज करता है कब, जब सोल्यूट मोलिक्यूल है, सोल्यूट मोलिक्यूल किसके अंडर गो जाता है, किस में जाता है, एसोसिएशन डिसोसिएशन की, दोनों की कोई भी नहीं, तो ये डिसोसिएशन में जब जाता है तब जो होता है इसका वैल्यू इंक्रीज करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, क्लियर है बात, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू स्कोटकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, तो स्कोटकी डिफेक्ट की वजह से जो डेंसिटी होता है क्रिस्टल का वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा करेक्ट, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, ये है आपका क्वेश्चन, तो कितना होता है आपके पास, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 8, क्लियर है बात, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड जो है वो कौन है, तो NO2- जो है, NO2- जो है वो क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2- इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2- इज, तो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले तो आप ये देखिए ऑक्सीजन का कितना है, -2 है, -2, और कितने ऑक्सीजन है, 4 ठो, तो कितना हो जाएगा, -8, और अगर मान लेते हैं हम लोग क्रोमियम का x है तो -8 + x किसके बराबर होगा, -2 के बराबर, क्यों -2 के बराबर, क्योंकि जो आपके पास कंपाउंड गिवन है उसका नेट चार्ज -2 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 + 8, मतलब कितना, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CR इन CrO4 2- इज 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफोबिक कोलोइड, लायोफोबिक कोलोइड कौन है इनमें से जो गिवन है ऑप्शन उनमें से, तो यहाँ पे जो आपके पास स्टार्च है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ये लायोफोबिक होता है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए टू बी
फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए टू बी इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज, जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर जीरो होगा तभी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हो गया बात? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल, ऑल ऑफ दीज। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल ऑफ ए सिंपल क्यूब इज, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूब इज, सिंपल क्यूब के यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाता है टू, कितना, टू, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग बोले नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल ऑफ ए सिंपल क्यूब इज वो कितना होता है, तो टू, टू हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, लुकास जो टेस्ट होता है वो दैट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, क्या डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा आपके पास एमिन्स। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लुकास टेस्ट किसके लिए होता है, एमिन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कौन है इनमें से, तो कौन हो जाएगा, टू ब्यूटानॉल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, टू ब्यूटानॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलर्ड सॉल्ट, तो इनमें से कौन है जो कि कलर्ड सॉल्ट बनाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट फॉलोइंग फॉर्म कलर्ड सॉल्ट, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, Cu2+ जो है वो कलर्ड सॉल्ट बनाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव नोबल गैस कौन होता है, तो जो मोस्ट रिएक्टिव नोबल गैस है यहाँ पे वो हो जाएगा आपके पास हीलियम, क्या, हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमल्सन इज अ कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ, एमल्सन इज अ कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ, तो यहाँ पे हो जाएगा टू लिक्विड, क्या, टू लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 79 क्वेश्चन, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 1% सुक्रोज हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नॉर्मालिटी ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाई बेसिक एसिड इज, तो जो नॉर्मालिटी होता है वो क्या होता है, नॉर्मालिटी क्या होता है, डाई बेसिक है, तो जीरो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू, टू इंटू 0.2, टू इंटू 0.2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.4। क्लियर हो गया बात? तो बेसिसिटी इंटू क्या करना पड़ता है, मोलारिटी, बेसिसिटी इंटू मोलारिटी, नॉर्मालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिसिटी इंटू मोलारिटी, तो 2 × 0.2 मतलब कितना, 0.4 हो जाएगा करेक्ट। अब 0.4 कौन से ऑप्शन में है, तो 0.4 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो 80 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 80 का तो हो गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज कंसंट्रेटेड बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कौन सा जो ओर होता है वो कंसंट्रेट किया जाता है, वो हो जाएगा कॉपर पाइराइट, क्या, कॉपर पाइराइट, देखा अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी डीके फॉलोज द, रेडियो एक्टिविटी डीके फॉलोज द कौन सा काइनेटिक, तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम्स आर, क्वेश्चन नंबर 83, एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जो एसिड क्लोराइड होता है वो, उसको अगर हमको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, तो कौन सा रिएक्शन लगता है,
कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? रिएक्शन होता है रोजेनमंड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रोजेनमंड रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल, द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल इज ब्लैंक है यहाँ पे, इट्स डेंसिटी क्या करेगा? तो जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उसका फर्क ही नहीं पड़ता डेंसिटी पे, तो क्या हो जाएगा? डज नॉट चेंज। क्लियर हो गया बात? ठीक। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, अगर आप झारखंड बोर्ड का प्रिपेयर कर रहे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये केमिस्ट्री का दूसरा और आखिरी वीडियो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अ लॉट।